तो हमारे फ्रेंच फ्राइज आ चुके हैं, चिली पटेटो। देखते हैं भाई इसका नाम क्या है भाई। 300 रुपये में पागल बनाते हैं। 350 का ये है जो हमारे वहाँ 80 रुपये का मिल जाता है। ये नूडल्स आप देख सकते हो और ये राइस बॉल्स जैसा लग रहा है, सुशी वेज वाले। बाकी देखते हैं टेस्ट करके कैसा है क्या है, ठीक है। नहीं, और कोक मिला एक, ये हमारे वहाँ 20 रुपये का मिल जाता है या 10 रुपये का, और यहाँ पर 50 रुपये का है। ये कोरिया की है ये भी। सबसे पहले चिली पटेटो टेस्ट करते हैं। ये राइस केक है, ये पागल है क्या? मैं भी देखूं भाई किस बात का राइस केक है। चल रहा है इसका टेस्ट दाल जैसा आ रहा है। ग्रीन टी भी पी लें हम जरा। ग्रीन टी चाय है। अबे भाई चाय पत्ती भी नहीं है। हम अंतिम अवसर दे रहे हैं, रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, वापस देके आ जाए। तो भाई पहले मैंने इसको टेस्ट करा, पर आपको अच्छे से बता टेस्ट कैसा हो रहा है। इससे नहीं कर रहा है, इससे बेइज्जती हो जाएगी, तो इससे टेस्ट करता हूँ। अच्छा टेस्ट है। ये मेरे को पहले लगा कि चिली पटेटो बना रखा है ऐसे कुछ लग रहा है, पर चिली पटेटो नहीं, राइस से बनता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यार, मज़ा आ रहा है। टेस्ट करते हैं चाउमीन। ऐसे नहीं, ये किधर है? कम से कम इसको तो सीधा रख ऐसे। अच्छा वाह यार। अब जरा चाउमीन टेस्ट करते हैं जो हमारे वहाँ 20 रुपये की मिलती है। टेस्ट बहुत डिफरेंट है, पर इसका थोड़ा टेस्ट वैसा रहा जो कप वाला नहीं आता था, है जैसे पहले कप वाला ही अभी भी आता, कप वाली मैगी नहीं आती, सेम वैसी टेस्ट है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सोया सॉस डाल रखा है। तो तीसरी चीज़ एक बार टेस्ट करते हैं, ये पन्नी भी खा जाओ। अच्छा इसमें डिप करके आप टेस्ट करके देखते हैं। सही है, अच्छी हो रही है, ठंडी हो गई है, बस सुशी है नहीं। टिम्बा पुम्बा है, किम्बा तो एक किम बाप है, किम का बाप ये है, हम किम के बाप को खा रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा टेस्ट, अब इसको पूरा पी लेते हैं, साथ में कोका कोला और चाय भी है बिल्कुल ठंडी। चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगी, मैं तब से सोच रहा हूँ कि इसमें इतनी सारी ग्रेवी है, आह हा। जैसे इसके अंदर मैंने डाला, फिर देखा भैया देख रहे हो सरफेस तो इधर ही ख़त्म। ये भी बहुत कम दे रखा है इन्होंने यार, और इसकी जो देख रहे हो है ना, डिप करो देखो इतने में ही ख़त्म। थोड़ा अलग लगा मेरे को, बाकी नूडल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये अच्छे हो रहा है बहुत, और ये भी टेस्ट इसका अच्छा हो रहा है। तो मेरा वैसा मन कर रहा है चॉपस्टिक घर ले जाऊं, तो अब बस थोड़ा सा रह गया, इसको भी पूरा फिनिश कर लेते हैं। पर ये नूडल्स जल्दी ख़त्म नहीं हो रहे, और बोले तो हैवी भी लग रहा है। पहले मेरे को लगा कि हल्का फुल्का होगा, कुछ भी नहीं है, पर अब लग रहा है कि भाई हैवी हो जाएगा, ठीक है। ये बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी मुझे पता चला कि ये जो है ना चाय, अब इसमें ये चीज़ मिक्स करनी है, ऐसी ये कुछ कह रही थी ना तू, ये अभी बताया ना इसने, हाँ इसने बताया कि इसमें मिक्स करना है ये। फिर थोड़ी देर में मैंने बोला कोक भी इसमें मिक्स करना है भाई। साला चीनी भी नहीं डाल रहा। तो भाई ये फिनिश हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया, इसको भी निपटा लेते हैं, निपटा दिया हमने। बाकी अब इसके बाद देखते हैं कहीं और जाएंगे या फिर सीधा घर, बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सो चलो अब यहाँ सब सीधा चलते हैं घर के लिए, या फिर देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन में कहाँ पर जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एंट्रेंस है, और बिल्कुल नैरो रोड है ये, देख रहे हो रूशन कोरियन रेस्टोरेंट, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, और ये स्ट्रीट रोड है वो जो आप देख रहे हो, सीधा यहाँ से आओ और पे लो। आज लग रहा है जैसे कि हम इंडिया में नहीं है भाई। मार्शमेलो मिलते हैं, कितने वाले मार्शमेलो हैं? 80 रुपीस के लास्ट लिए थे, अब देखते हैं कैसे टेस्ट अच्छा होता है ना इसका। हाँ एक बार मेरे को भी ले रही तो ले, मैं टेस्ट करूँगा जरा। काइंड्स ऑफ मैगी देख रहे हो, सुपर मैगी
सुपर स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। चलते हैं, बहुत चीज़ें मैंने आपको दिखा दिए जो जो मिलते हैं यहाँ पर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैगी भी देख लिया, जो अलग अलग मिलते हैं, नूडल्स, क्लॉथ्स। तो देखो ये लाफिंग खाने के लिए आए हैं लाफिंग एक्सप्रेस में, और ये इसमें वैरायटीज़ हैं, देखते हैं इनमें से क्या लेंगे। लाफिंग ये फर्स्ट वाला वाइट लाफिंग गाय कॉम्बो लाफिंग, ये वाई वाई लाफिंग, वाई वाई लाफिंग, ये फोर्थ वाला कौन ये बता रही थी ना, वाई वाई लाफिंग, दोनों पसंद। चलो अब ट्राई करते हैं एक बाई बाई और ड्राई लाफिंग, देखते हैं इसका टेस्ट। जिस तरफ देखूं नजर आए कुछ नजर ना आए जब। तो कौन सा ड्राई, ड्राई वाला लेना है? तो अभी हम लेंगे ड्राई वाला लाफिंग, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। व्हाइट वाला, व्हाइट वाला भी पहले एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं कैसा क्या है, वो अलग है। तो चलो अभी एक बार टेस्ट कर लें, देखते हैं भाई। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहां। रिस्की हेलो निकालो उसकी। टेस्ट करते हैं ड्राई लाफिंग। डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट, मस्त लग गया। सेम टेस्ट, हाँ हाँ, स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाई और कुछ तो नहीं, पर ये ड्राई लाफिंग खा के बड़ा मज़ा आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा था और इतना बढ़िया टेक्सचर, बहुत ही मज़ा आ गया खा के। और क्या खाया गया? तो भाई मज़ा तो चलो आ गया, ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए जैसा आज लिया सच्ची में। पता नहीं कौन से गेट से आ गए। अब देखते जाते हैं दूसरे वाले गेट से, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता, इतनी पतली पतली सी गलियाँ। यहाँ पर एजेंसी भी है, जैसे किसी को टिकट अपनी बुक करवानी हो कहीं की या आउट ऑफ इंडिया, तो आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या पता पहुँचो। जैसे अगर कोई बंदा चाह रहा कि कोई या पहुँच जाए, या फिर अपनी मर्जी से थोड़ी, मैं वैसे बता रहा हूँ, उनके पास ट्रैवल एजेंट्स होंगे, है ना, कभी यहाँ पर आके बात करना अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देख ये छोटे छोटे, मैं ये तो कह रहा था छोटे पैकेट में होगा, मार्शमेलो तो मैं ले लूँगा। देखो ये रहा मार्शमेलो, ये वाला ले रहा हूँ मैं। अरे देख ये वाले भी सही है, छोटे वाले ले ले, तो छोटे, मैं तो छोटे वाले ले रहा हूँ। हाँ ये वाले, ये 10 रुपीज़ का बोला था, पूछिएगा पूछिएगा, 20 लिखा है। ओ तेरी मर्जी, तू देख भाई, हमने है मैं ये ले रही है तो खाई लूँगा भाई, क्या है। ओके ग्रीन टी वाला चॉकलेट, चॉकलेट इज दैट चॉकलेट, और चीजें हैं यार, ये भी पता नहीं कितने का, कितने का बोला दीदी है, 10 रुपीज़ का। क्या चीज़ है? राइस केक, राइस कुकिंग, राइस कुकिंग भाई ले ले मर्जी तई, सारा पैसा सारी चीजें ले रहा हूँ, और टॉफी भी देखूँगा क्या क्या चीज़ें, और बहुत सारे अच्छे फ्लेवर मिल रहे हैं, कम कम में ही है ऐसे, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, ये 90 रुपीज़ के चॉकलेट्स, तो कितने सारे फ्लेवर हैं। क्या क्या चीज़ें मैं लेके आया हूँ मजनू के टीला से, तो ये देखो, ये भैया चॉकलेट, वो भी ग्रीन टी वाली, ग्रीन टी फ्लेवर, बाप रे। और भी चीज़ें हैं भाई, ये है राइस केक, ये भी मिल गया वहाँ पर, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट देख रहे हो, ये वेफर्स वाली है, बाहर भी चॉकलेट अंदर भी चॉकलेट, बड़ा मज़ा आ गया इसको खा के। और चीज़ें दिखाता हूँ किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, और भैया ये टॉफ़ी, आह हा, ये टॉफ़ी यार पता है स्पंज बॉल जैसी है ये टॉफ़ी, इतना मज़ा आ रहा है ना इसको खाने में। टॉफ़ी पहले मुझे लग रहा था कि ये शायद होगी, जैसे पहले आती नहीं थी मिंट वाली टॉफ़ी आती थी, जिसको चबाओ फिर एकदम से चूरे चूरे हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये देखो देखो दम रही है, इतना मस्त टेस्ट आ रहा था ना सच्ची में यार, चबाते ही
ओकी नाम से है ये, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट। देखो ऐसी होती है, बहुत बड़ी सी डंडी थी पर ये टूट गई। इसको मैं खाता हूँ, पता 90 रुपए की है डंडी। ऐसी है बाहर से चॉकलेट हल्की सी लगी है, पर कह रहे हैं कि ग्रीन टी की है तो होगी, बाकी टेस्ट अच्छा आ रहा है, ग्रीन टी वाला आ रहा है। और देखो ये है टबोकी नाम से, क्या नाम है इसका, टपोकी, टपोकी कॉम्बो विथ सॉस। ओहो ये कभी खाया आपने? यही हम खा के आए थे, पर वो डिफरेंट था और ये डिफरेंट था जो आज हमने खाया था। तो ये घर में बनाएंगे, देखते हैं भाई कैसे इसका टेस्ट आता है। ये कॉम्बो वाला है और पता नहीं कौन सी बात हमें लिखा है। ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, देख सकते हो आप टपोकी नाम से। ओहो जब ये बनेगा मैं पक्का दिखाऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, खोलेगा जब। और देखो ये है स्टील वाले चॉपस्टिक, मैंने भी लिए हैं पर वो लकड़ी वाले हैं भाई, ठीक है वुड वाले हैं और ये वाले स्टील वाले हैं। तो इस कभी कभी यूज करूंगा तो जरूर दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मजनू के टीले की वीडियो बनाने वाला एक मैं भी हो गया, क्योंकि कमजोरों ने बनाई है वहां की वीडियो। क्योंकि लोग वहां जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अच्छा है, पर मेन ये होता है कि वीडियो वो प्रॉपर्ली नहीं बनाते। मैं भी कहता हूँ 100% मैं भी प्रॉपर्ली नहीं बना पाता हूँ, पर उस चीज को लेके आप सजेशन दे सकते हो। आप व्यूअर हो यार, सब्सक्राइबर हो मेरे, फ्रेंड हो आप, दोस्त हो यार, आप मेरे को बता सकते हो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं ब्लॉग रखता हूँ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो मजनू का टीला जाना तो भाई जरूर जाओ, पर पैसे लेके जाओ ज्यादा क्योंकि काफी चीजें जो आप खाओगे ना आपको एकदम से लगेगा ये क्या है, और आपके मुंह से ये चीज और निकलेगा ये तो है। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे सजेस्ट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट प्लेस में कहाँ जाऊँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।